अभी थोड़ी देर पहले ही मैं सोफे पे बैठ के रील्स देख रहा था और मुझे दिखा ये शॉट। मुझे लगा इस शॉट को अगर रिक्रिएट करें तो। हेलो एवरीवन, मैं हूं हार्दिक परमार और इस वीडियो में मैं इस शॉट को रिक्रिएट करने वाला हूं। इस शॉट को रिक्रिएट करने के लिए हमें चाहिए दो RGB लाइट। दो RGB लाइट तो नहीं है पर एक है। तो पहली जो लाइट मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है गोडोक्स की LC500 जो कि एक ट्यूब लाइट है, और सेकंड लाइट मैं यूज़ करने वाला हूँ डिजिटेक की BI कलर, और कैमरा यूज़ करने वाला हूँ मैं अपना मेन कैमरा FX3। बस एक लड़की चाहिए थी अब हमें। अब लड़की कहाँ से लाए? बहुत सोचने के बाद मुझे आया एक आइडिया। हेलो। हाँ भाई, तुम्हारी एक रील शूट करने का सोच रहा था मैं। अच्छा, आ रहे हो? बढ़िया। हेलो, और सुनो, शेव करके आना। भाई को देख के ही मैंने तुरंत बोल दिया, जैसे पलंग पे सो जा। अब इस शॉट को रिक्रिएट करने के लिए मुझे चाहिए थी सॉफ्ट ब्लू लाइट, तो मैंने यूज़ की अपनी LC500R, और इस लाइट को मैंने सीधा सब्जेक्ट पे अप्लाई किया तो मुझे ये थोड़ी हार्श लाइट लग रही थी, तो इस लाइट को मैंने थोड़ा घुमा दिया तो फिर मुझे मिल गई अपनी सॉफ्ट लाइट। अब बारी थी आँखों पर, ये जो रेड हार्श ब्लैक बार जैसा दिख रहा है उसकी, उसके लिए हमें चाहिए बोन्स माउंट जो कि अपनी LED लाइट के आगे लग जाएगा और हम अपने लाइट को मनचाहा शेप दे सकते हैं। बट ये माउंट तो अपने पास था नहीं, तो हमने किया एक जुगाड़। हमने एक बॉक्स को लेके उसको इस शेप में कट कर लिया और उसमें रख दी अपनी ये LED लाइट, और हमने ट्राई किया इस शेप को लाने का ट्राई। बहुत बॉक्स को ख़राब करके और एक्सपेरिमेंट करके वी गॉट दिस फाइनल शॉट, क्योंकि हमारे पास हार्श रेड लाइट नहीं थी इसलिए हमने यूज़ की थी ये ऑरेंज लाइट। तो उसे हम एडिट में लुमिट्री कलर की मदद से ऑरेंज को रेड करने का ट्राई करेंगे। आफ्टर सम टाइम ऑफ कलर करेक्शन एंड कलर ग्रेडिंग वी गॉट दिस फाइनल आउटपुट। होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो।